बांसवाड़ा में होली पर कहीं रंगोत्सव तो कहीं फागोत्सव, तो वहीं बच्चों का ढूंढोत्सव मनाया जाता है। लेकिन बांसवाड़ा के निकट ठीकरिया गांव की एक अनूठी परंपरा है। होली दहन के दूसरे दिन गांव के लोग होलिका दहन स्थल पर आते हैं और बच्चों का ढूंढोत्सव मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक दूसरी अनूठी परंपरा भी निभाई जाती है। यहाँ ढूंढोत्सव में उन बच्चों के माता पिता भी होलिका के फेरे लेते हैं और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए होलिका का आशीर्वाद लेते हैं। इस वक्त बांसवाड़ा जिले के ठिकरिया कस्बे में खड़े हैं, जहां पर होली के त्योहार पर विशेष रूप से अलग तरह के एक आयोजन चल रहे हैं। इसमें ऐसा है कि होली के ढूंढोत्सव पर जहां तक बच्चों के होली के फेरे लिए जाते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर माता पिता भी होलिका के फेरे लेते हैं और उस होलिका के फेरे लेने में हम यहाँ के पंडित जी पूजा अर्चना विधिवत करके और उनके फेरे दिलवाते हैं। तो हम बात करते हैं पंडित जी से कि यहाँ पर किस तरह का रिवाज है और ये किस तरह का रिवाज है और कैसे किया जाता है। सर, A1 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो रिवाज है वो क्या है, किस तरह से किया जाता है? ये जो ठिकरिया में हमारा जो रिवाज है वो परंपरागत से चलता आ रहा है। इसमें बच्चे का जन्म होता है तब प्रथम जो होली आती है उसमें उसका ढूंढोत्सव कर्म किया जाता है, उसको होलिका की प्रदक्षिणा कराई जाती है, उसके साथ साथ उनके माता पिता भी प्रदक्षिणा करते हैं। तो इस तरह से पंडित जी ने बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना होती है। हम दूसरे इनसे बात करेंगे। सब ये क्या है आपके गांव में, रिवाज है? हाँ सर, ये परंपरा तो बहुत ही लंबे समय से, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। और इसके अंदर जैसे पंडित जी ने बताया कि जो नव जो बच्चा होता है जिसका जन्म होता है उसका ढूंढोत्सव होता है और एक प्रहलाद की साक्षी मान करके उस बच्चे की निर्भीकता और दीर्घायु की कामना के लिए यहाँ पर होलिका के पूजन करके इसकी प्रदक्षिणा करवाई जाती है। और जैसे किसी लड़की के बाद में जो लड़का होता है उसके भी इसी तरह से, और हर बच्चे पर ये ढूंढोत्सव यहाँ पर कार्यक्रम होता है और पूरा गांव इसके अंदर सम्मिलित होता है और धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से ये है यहाँ के सरपंच साहब ठिकरिया जो कि इस बारे में जानकारी बताएंगे। नमस्कार, नमस्कार साहब, मैं ठिकरिया नारंग डोडियार। ये हमारे गांव में समस्त 3600 कौम और हमारे पूरे जाति धर्म के लोग इकट्ठे होकर ये धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। ये आने वाला प्रथम जब बच्चा होता है तो उसके माता पिता और बच्चे को पूरे परिक्रमा करवा के जो शुरू से परंपरा हमारे गांव में और आज तक सनातन धर्म में यही त्योहार मनाते हैं और भाई दूज ये जो दूज के दिन भी ये कार्यक्रम मनाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये संपन्न ये ऐसा परिवार समस्त होली की उनको सबको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद के रूप में ये मनाते हैं हम। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से इस गांव के अंदर होली पर विशेष आयोजन किया जाता है। जैसे कि हमारा भारत देश अलग अलग त्योहारों का देश है और धार्मिक त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ गौतम सिंह राठौड़।